नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अभय और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट में आने वाले अनवांटेड मेल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जी हां, अगर आपके अकाउंट में किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आपके पास ढेरों मेल आते हैं तो कैसे आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं ताकि आपके पास उस ईमेल आईडी से मैसेजेस या मेल जो है वो नहीं आए, या आपके पास ढेरों ऐसे मेल्स आते हैं जो आपके इनबॉक्स को भर देते हैं और आप चाहते हैं इनको डिलीट करना। तो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूं जिससे आसानी से वन क्लिक में आप ढेरों मेल्स को डिलीट कर पाएंगे और उन मेल्स को आप ब्लॉक कर पाएंगे जिन मेल्स को आप नहीं चाहते हैं कि आपके इनबॉक्स में वो नज़र आए। तो सब कुछ विस्तार से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप ज़रूर कर दे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट में आने वाले अनवांटेड मेल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो साथ में मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, इमेजेस डेमो, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना है और उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर मेल को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे कोई कंपनी है जिससे आपके पास लगातार मेल्स आते हैं या कोई ई कॉमर्स एडवर्टाइजमेंट के मेल्स आते हैं आपको उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, तो आप कैसे उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जीमेल को ओपन कर लेना है। जीमेल को ओपन करने के बाद जिस भी मेल से या जिस भी कंपनी से आपको ढेरों मेल्स आते हैं, किसी भी एक उस कंपनी के किसी भी एक मेल को आप ओपन करें। उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में ऊपर में आपको थ्री डॉट का निशान नज़र आएगा, उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ब्लॉक का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो जैसे अगर आपको फ्लिपकार्ट से बहुत सारे मेल्स आते हैं और आप चाहते हैं उन मेल्स को ब्लॉक करना, तो आप फ्लिपकार्ट के किसी भी मेल को ओपन करके आप राइट साइड में देखेंगे थ्री डॉट का निशान नज़र आएगा, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ब्लॉक फ्लिपकार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप ब्लॉक फ्लिपकार्ट पे क्लिक करेंगे, फ्लिपकार्ट से आने वाले सारे मेल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। मीन्स आगे फर्दर आपके पास फ्लिपकार्ट से जो मेल्स आते थे वो नहीं आएंगे। तो ये एक आसान तरीका। इसी तरीके से आप दूसरे मेल्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक एक करके उसे ब्लॉक करने का टाइम नहीं है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि जो अगर आपने डेस्कटॉप में जीमेल को ओपन किया है तो ऊपर में सर्च बार में आपको एक इंडिकेट का निशान नज़र आएगा, मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा आपको वहाँ पर नज़र आएगा। वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ से आपको फ़िल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, वहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर मेल आईडी से ढेर सारे मेल्स अगर आपके पास आए हुए हैं उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ पे उस मेल आईडी को आपको लिखना है, टाइप करना है, उसके बाद आपको डिलीट इट का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको करना है क्रिएट फिल्टर। तो जैसे ही क्रिएट फिल्टर करेंगे वो सारे मेल्स जो होंगे जो उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आपके पास आए होंगे उसे आप डिलीट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीका, इन तरीकों को यूज़ करके आसानी से आप अपने जीमेल अकाउंट के इनबॉक्स को खाली कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।